सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज किस क्लास में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर यानी कि बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आपके राजन सीरीज के मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 153 से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने तीन पार्ट में पूरे के पूरे तीन पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पर हम चौथा पार्ट पढ़ने जा रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 153 से और ये लास्ट है, यानी कि यहाँ पर आज आपके सारे बहुविकल्पी प्रश्न भी खत्म हो जाएंगे। अत लघुत्तरी प्रश्नों को मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, पवन सीरीज के प्रश्नों को भी हम पढ़ा चुके हैं, तो पवन सीरीज के भी प्रश्नों को आप पढ़िए, राजन सीरीज के प्रश्नों को भी पढ़ के जाइए ताकि कहीं से भी कोई भी प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो या छूट ना जाए एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 153 से। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? आप सभी को पता है कि थॉर्नडाइक ने किस पर किया था, बिल्ली पर किया था और पाउलो ने कुत्ते पर किया था। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक का प्रयोग पूछा है तो बिल्ली पर, और इनके प्रयोग का नाम क्या है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 154 है, संज्ञानात्मक विकास को तीन भागों यानी कि क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था तथा संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? ब्रूनर, फ्रॉवेल, विने या फिर कोहलर। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, ब्रूनर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 155 पर। वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ करता है वह स्तर है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये चारों ही जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था ये होती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं ये होती है 11 से लेकर 15 वर्ष तक। तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा वस्तुओं में विभेद करना सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर 156 पे आते हैं, वह स्तर जिसमें बालक वस्तुएं एवं पदार्थों के संबंध में चिंतन करना तथा तर्क करना प्रारंभ करता है वह स्तर कौन सा है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि जो भी वस्तुएं बच्चा देखता है उनके बारे में वो सोचना प्रारंभ कर देता है, यानी कि वह उनके बारे में तर्क करना भी शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 157 पे आते हैं, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है? तो जीन प्याजे ने 4 अवस्थाओं के बारे में ऊपर अभी आपने क्वेश्चंस में देखा ही है। क्वेश्चन नंबर 158 है, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम दिए हैं? तो इनके जो मुख्य नियम है वो 3 है, कौन कौन से है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। और अधिगम के जो सेकेंडरी लाज है यानी कि जो 5 गौण नियम हैं वो भी इन्होंने ही दिए हैं। तो याद रखिएगा थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम दिए हैं और 5 गौण नियम दिए हैं, तो ऑप्शन सात सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो भूख, प्यास और नींद, ये तीनों ही क्या है? ये जन्मजात अभिप्रेरक है, लेकिन जो प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, ये सब क्या है? ये सब हम समाज में आने के बाद अर्जित करते हैं, तो ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 पे आते हैं, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है? जो चीजें हमने पूर्व में सीखी है, अपने पास्ट में कभी ना कभी सीखी है और फिर हमें अगर उनको याद करना पड़े तो हम याद नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये कहलाता है बी, स्मरण, जिसको हम भूल चुके हैं यानी कि फॉरगेट, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 पे आते हैं, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासन या प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए शिक्षकों में कि हमें और सबसे बेहतर करना है, ये चीज होना चाहिए कि हमें अपने विद्यार्थियों को और अलग तरीके से पढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 165 है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्मिथिया या डिसकैलकुलिया। तो राइट आंसर है डिसग्राफिया, और ये प्रश्न आपने पहले भी देखा है, इसी सीरीज में मैं पढ़ा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 163 पे आते हैं, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है सा को वॉस था न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, यानी कि वो उल्टा देखता है। देखिए एस ए डब्ल्यू सा, तो यह उल्टा इसको देखता है, डब्ल्यू ए एस देखता है, ठीक है,
और न्यूक्लियर को क्या देखता है, वो अनक्लियर, इस तरीके से उल्टा। तो यहाँ पर ये अंतर नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसे है यहाँ पर पठन संबंधी विकार, यानी कि पढ़ने में दिक्कत है, तो ये हो जाएगा डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 164 है, जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, तो हम इसे कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता या व्यक्तिक भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 165 पे आते हैं, प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता है किलपैट्रिक, ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। 2018 में सुपर टेट के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 166 है, वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है कहलाती है, प्रश्नावली विधि, मापन रेखा विधि, मनोनीत विधि या कोई नहीं। तो प्रश्नावली विधि जो है ये व्यक्तित्व का अनुमान लगाने के लिए, यानी कि व्यक्तिगत परीक्षण में इसका प्रयोग होता है, तो ऑप्शन अ यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 167 पर, बाल विकास का प्रमुख आधार क्या है, वंशानुक्रम, वातावरण, उपयुक्त अवस्था दोनों या कोई नहीं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके माता पिता के गुण, उसके पूर्वजों के गुण तो उसे मिलते ही मिलते हैं, लेकिन उसके आसपास का वातावरण कैसा है, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, किस तरीके के फ्रेंड सर्किल में रहता है, कैसे स्कूल में पढ़ने जाता है, किस तरीके का माहौल उसको मिल रहा है, तो ये सारी चीजें ही बच्चे के विकास में बहुत सहायक होती हैं। तो ऑप्शन सा जो है उपयुक्त आ और बा दोनों ही ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 168 है, वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं, यह किसका कथन है, रूथ बेनेडिक्ट का, फ्रायड का, जोन्स का या पियाजे का। तो दोस्तों ये कथन है रूथ बेनेडिक्ट का, ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 है, बाल विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो ये तीनों ही हैं। राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 170 पे आते हैं, प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं या स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो अपने निर्णय खुद लेते हैं, वो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, कोई भी फैसला लेना होता है तो अपने आप से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 पे आते हैं, RTE 2009 भारत में कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, ऑप्शन सा जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 172 पे आते हैं, जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है, वह अधिगम की कौन सी विधि होती है, स्वाधिगम, सामग्री अधिगम, परीक्षण करके सीखना है तथा या तथ्यात्मक अधिगम। तो जब बच्चा खुद अपने नए कार्यों को अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है तो ये हम कहते हैं स्वाधिगम, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, परीक्षण करके सीखना। क्वेश्चन नंबर 173 है, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने, ऑप्शन बा जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था, फ्रोवेल ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, बिने ने बुद्धि के बारे में बताया था, बुद्धि परीक्षण किया था। क्वेश्चन नंबर 174 है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं, पूर्व बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में या किशोरावस्था में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 175 पे आते हैं, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है, शिक्षण होगा यहाँ पर, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करते हैं, इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है पुनर्वलन, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, व्यक्तिगत विभिन्नताएं या शिक्षार्थी स्वायत्तता। तो राइट आंसर आप सभी को दिख रहा है साफ साफ कि ज्ञान का सहसंबंध, किस तरीके से हम बच्चों को जो भी चीजें पढ़ा रहे हैं उसको अपने आसपास के बच्चे के आसपास के एनवायरनमेंट से जोड़ के पढ़ाएं, उसके आसपास के वातावरण में वो चीजें बच्चा देखता और उस तो आसानी से वो सीख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है, तो सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था, और नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 177 है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से, तो आप सभी को पता है किससे है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था का जो संबंध है वो है जीन पियाजे, जीन पियाजे ने ही चार अवस्थाएं बताई है बच्चे के विकास की। क्वेश्चन नंबर 178 है, वस्तु स्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं, किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है, तो इसका संबंध है जीन पियाजे से। तो उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं वो चार बताई हैं, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 179 है,
सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? तो सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। प्रयोग किस पर किया था? चिंपैंजी पर किया था, जिसका नाम सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 180 है, किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण है? तो ये प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रूथ बेंडिट का कथन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, कई बार इसी में आप देखिए पूछा जा चुका। क्वेश्चन नंबर 181 है, किसने कहा था सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है? थॉर्नडाइक, हरलॉक, फ्रॉबल या जॉन ड्यू? तो राइट आंसर हो जाएगा हरलॉक, ऑप्शन बहुत सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182 है, क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों जो क्रमिक विकास का सिद्धांत है, अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो ये किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन ने दिया है। तो आगे बढ़ते हैं, तो डार्विन ने क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 183 है, अधिक तनाव का काल है तो आप सभी को पता है किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 184 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, ये सब सूक्ष्म गतिक कौशल नहीं है, बल्कि लिखना क्या है? सूक्ष्म गतिक कौशल है। क्वेश्चन नंबर 185 है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी कौन सी विषय वस्तु है? तो मेरा परिवार, ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 है, सीखने के लिए आंकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना है सिवाय विद्यार्थियों की त्रुटियों के, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों के, विद्यार्थियों की क्षमताओं के या विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के? तो राइट आंसर है विद्यार्थियों की त्रुटियों के। हम आकलन में देखते हैं विद्यार्थियों के अंदर क्या क्षमताएं हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उनको किस प्रकार की अधिगम शैलियां पसंद है पढ़ने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 187 है, डिस्लेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है? तो पढ़ने संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 188 है, प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो, आवधिक परीक्षाएं या गृह कार्य? राइट आंसर है पोर्टफोलियो, ऑप्शन बहुत सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189 है, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? तो अधिक बार, बार बार आने वाली संख्या बहुलक कहलाती है, बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 190 है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? तो तीन प्रकार बताए हैं, ऑप्शन नंबर सा जो है ये सही हो जाएगा। तो इन्होंने दोस्तों बताया है अमूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, ये तीन बुद्धि बताई है। क्वेश्चन नंबर 191 है, बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक है? तो बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक विनय है। क्वेश्चन नंबर 192 है, समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो समूह कारक सिद्धांत दिया है थर्सटन ने। क्वेश्चन नंबर 193 पे आते हैं, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है बकिंघम, ऑप्शन आ सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 है, पिछड़े बालक वे हैं जिनके सीखने की गति धीमी है, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित है या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 195 है, डैश के कारण प्रतिभाशीलता होती है, मनोसामाजिक कारकों, अनुवांशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा या ब तथा स दोनों का संयोजन? तो अनुवांशिकता और वातावरण दोनों मिलकर के ही बच्चे को प्रतिभाशाली बनाते हैं। तो ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस पर लागू नहीं होता? तो निःशक्त बच्चों पर तो होता है, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों पर भी होता है, 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर नहीं होता है। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197 है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप कैसे सिखाएंगे? आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, या आप उसे माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे? तो हम बच्चे को उसकी मातृभाषा की सहायता से हम क्या करेंगे? अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 198 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसे होनी चाहिए? तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा, देखिए, अन्य सामान्य बालकों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, या विशेष विद्यालय में या विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं, इनकी शिक्षा का जो प्रबंध है वो हमें इस तरह करना चाहिए कि ये बच्चे भी अलग ना फील करें, मतलब कि अपने आसपास के सामान्य बच्चों की ही तरह दिखें। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा, अन्य सामान्य बालकों के साथ। क्वेश्चन नंबर 199 विशेष शिक्षा संबंधित है, तो जो विशेष शिक्षा होती है ये कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से भी, पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से भी संबंधित है। तो यहाँ पर ब और द दोनों ही विकल्प सही है। तो विशेष शिक्षा विशेष बच्चों के लिए होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 200 है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है, यह विशेषता है प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की या सभी बालकों की, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, सृजनशील बालकों की।
क्वेश्चन नंबर 201 है, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, मूक बधिर, श्रवण दोष या मंद बुद्धि? तो मंद बुद्धि ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202 है, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं पिछड़े, विशेष, बाल अपराधी या मानसिक रूप से कमजोर? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ऐसे बच्चों को हम कहते हैं पिछड़े बच्चे, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203 है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? तो डेसिबल, ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 204 है, स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस रूप में पाई जाती है? शारीरिक, मानसिक, रुचि या सभी? तो इन सभी में बच्चों में भिन्नताएं पाई ही जाती है। अलग अलग बच्चों की लंबाई होती है, अलग अलग रूप से बच्चे सोचते हैं और अलग अलग सबकी रुचियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 205 है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है? निःशक्त बच्चों की शिक्षा को हम कहते हैं विशेष शिक्षा, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 206 है, एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता, इसमें से क्या है? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा पढ़ने की अक्षमता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ने की अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 207 है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में कौन आते हैं? पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक या ये सभी? तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 208 है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, ये कहा है जेम्स ड्रेवर ने? और ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को पहले क्लासेस में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 209 है, प्रतिभाशाली होने का संकेत बिल्कुल नहीं है विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन या कौतूहल? तो यहाँ पर देखिए, दूसरों के साथ लड़ना जो है यहाँ पर ये मिस हो गया है, तो ये यही ऑप्शन क्या है, यही सही है। प्रतिभाशाली होने का संकेत ये बिल्कुल नहीं कि आप दूसरों के साथ लड़िए, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 210 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा या वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे? राइट आंसर दोस्तों यही है कि उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग पढ़ाया जाए क्योंकि वो अपनी कक्षा में समायोजित नहीं हो पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 211 है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर या शिक्षक में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर करती है शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 212 है, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर या ऑटिज्म? राइट आंसर है डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 213 है, जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? तो इसे हम कहते हैं जैविक मंदता। क्वेश्चन नंबर 214 है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा ने दिया था, ठीक है, बंडूरा। क्वेश्चन नंबर 215 है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो चौमोस्की ने दिया, यहाँ पर देखिए कोमोस्की लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 216 है, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? तो जॉन ड्यूबी है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217 पे आते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक कौन है? तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था वाइगोत्स्की ने। क्वेश्चन नंबर 218 पे आते हैं, जॉन ड्यूबी का समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है प्रगतिशील विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 219 पे आते हैं, थर्सटर तथा लिकर्ट निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित है? तो बुद्धि के। तो इस तरीके से सारे के सारे प्रश्नों को, 219 प्रश्न थे और सभी को मैंने चार पार्ट में कंप्लीट किया है, तो सारे पार्ट्स को आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, इस क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, कॉलेज के ग्रुप में। और अगर अभी तक आपने हमारे सारे क्लासेस को नहीं देखा है तो सारे क्लासेस को भी पढ़िए, यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप फर्स्ट सेमेस्टर के सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज, जो आप पूरी पीडीएफ देख रहे हो, ये पूरी पीडीएफ ही हम दे देते हैं राजन सीरीज और पवन सीरीज दोनों की, तो अलग से आपको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ता, ना राजन ना पवन। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी की, तो ऐप से जाके जुड़िए और सारे के सारे विषयों का आप लाभ लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए ताकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। जय हिंद।